नालंदा सांसद के घर के पास हुआ जमकर हंगामा। वहां के लोगों का कहना है सदियों से ये मसान था और यहां लाश जलते आया है, पर अब जिनके पास पैसे हो गए हैं वो यहां नहीं गंगा जी लेकर जाते हैं, पर हम गरीब लोग पटना या बख्तियारपुर नहीं जा सकते इसलिए हम लोग यही लाश जलाते हैं, पर जदयू के सांसद साहब अब यहां घर बना लिए हैं और हम गरीब को लाश जलाने से मना कर रहे और पुलिस से डरा रहे। जनता ने कहा आप पत्रकार लोग खुद देख ले। सांसद कौशलेंद्र कुमार के कहने पर पुलिस पूरा फौज लेकर आई है और हम लाचार गरीब को लाश नहीं जलाने दिया जा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है कि कहीं दूर जाए। जनता ने कहा सांसद का काम है हमारे दुख में साथ देना, पर आप सब लोग देखे कितना जुल्म कर रहे सांसद साहब। जनता ने सांसद के मकान भी अवैध जगह में बताया। वही सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि अगर मेरा मकान एक इंच भी गलत जगह में अगर है तो तोड़ दे। काफी हंगामे के बीच अंत में लाश वही जला और इन संस्कार भी हुआ। इसलिए हो रहा है ना, एमपी साहब जो हमारे हैं ना, वो जमीन घर बना है, बाकी जो पड़ी थी जो जमीन है लोगों का अगर मलिकला जमीन है जिसमें कि तीन कास्ट का मसान था, तो जो लोग गरीब तबके लोगों को यहाँ अपना जलाते थे और जिनका औकात था वो बाहर ले जाते थे, लेकिन आज एक गरीब की मौत हुई है तो ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं जलाने दिया जाएगा क्योंकि हम मैंने अपना मकान बना लिया है। कौन मना कर रहे हैं? एमपी साहब पुलिस को बुलाया, पुलिस देखिए ना। कौन पार्टी के वो सांसद है? अरे जदयू का है भाई। मतलब दबंग प्रवृत्ति के के जो सांसद है हमारे आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पहले हम लोग के गठबंधन के वो सांसद थे। विषय यही है कि पूरे शहर बिहार शरीफ में कब्रिस्तान की जबरदस्ती घेराबंदी की गई है और हिंदुओं का जो शमशान घाट है उनका सीधे तौर पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। कल का जो घटना है, बिहार शरीफ के आशा नगर मोहल्ले के निवासी एक गरीब लड़का जिसको लू लगने से सदर अस्पताल में इलाज चला, उसके उपरांत दुखद मृत्यु हो गई, ये बहुत दुखद समाचार है। उस लाश को कोई आइडेंटिफाई करने वाले नहीं थे, लेकिन उनके परिजन बहुत प्रयास के बाद सदर अस्पताल से डेड बॉडी को वहां से लिए। उसके बाद चूंकि उनके पास आर्थिक दिक्कत थी तो जो शमशान घाट है स्थानीय आशा नगर में पहले से शमशान में जलाया जाता था, वहीं पे उन लोग मृतक का अंत्येष्टि करना चाहते थे, वहीं पर माननीय सांसद महोदय ने घर बनाया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर वो सही जगह बनाए हैं, लेकिन घर के आगे जो ईटा सोलिंग करवाए हैं वहीं पर पहले शमशान था, वो लोग मृतक का अंत्येष्टि करना चाह रहे थे। क्योंकि बाढ़ उमानाथ हमारे जो सनातन संस्कृति में है वहां जाने के लिए आर्थिक रूप से वो कमजोर परिवार था, लेकिन सांसद महोदय के द्वारा या उनके ताकत का उपयोग करके, सत्ता का उपयोग करके शुरुआती विरोध किया गया, बाद में स्थानीय लोग और परिजन, हालांकि प्रशासन भी बीच में हस्तक्षेप की, उसके बाद उनका जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनका दाह संस्कार वहीं पे हुआ। यह इस बात को साबित करता है कि सांसद महोदय वहां पर पूरी तरह से गलत थे। अगर सही में रहते तो प्रशासन भी उनका पक्ष लेती और वहां पे अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन अंतोगत्वा रात्रि में वहीं पे अंतिम संस्कार डेड बॉडी को जलाया गया। राजनीति में है तो क्या है भाई, बोलिए। व्हाट्सएप पर भी चला दिया गया कि कब्जा कर लिए एमपी साहब, बोलिए हमारा घर है, हमको चैलेंज करते हैं कि एक धूर भी जमीन हम किसी का कब्जा किए होंगे या सरकार का कब्जा किए होंगे तो हमारा घर है ढहा दे लोग। लेकिन जो चला रहा है उस पर आरोप लगना चाहिए कि आप क्यों ये सब बात चलाते हैं बिना समझे बिना बूझे। न एमपी साहब घर पर हैं, न एमपी साहब वहाँ पर कुछ माहौल में है, न हम कुछ जानते हैं, आई इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि कोई न कोई बीजेपी के लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। साफ साफ तो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, वो बीजेपी के आदमी हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी के लोगों ने इस तरीके से घटना का अंजाम या हमको बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन हम प्रशासन को बधाई देते हैं, प्रशासन ने अपना अच्छा से जो भी काम किया अपना